साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों कुछ पर्सनल बातें मैं करूंगा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रियलाइज कराने के लिए या हो सकता है समझाने में सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं इन एग्जांपल देके कुछ लोगों का कि आपको समझ में आ जाए। ये बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि बहुत सारे लोगों के निगेटिव कमेंट आते हैं, क्यों सर जी आप तो पैसा लेते हो, आप तो 1100 रुपये फीस लेते हो, आप तो फ्री में काम करो, आप ये करो आप वो करो। तो ये सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि साथियों फ्री में एक लिमिट होती है हर चीज़ की, कोई आदमी फ्री में काम नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी होती है। अब मेरे को बोल रहे यार आप अपने ऊपर लेखो देख के देखो ना, एक सरदार जी का मेरे पास 4 दिन पहले एक ऑडियो आया था, सर जी फ्री में काम करो पैसा तो सभी लेते हैं। मैंने उसको एक ही रिकॉर्डिंग छोड़ी, सऊदी का उसका नंबर था, मैं बोला भाई एक काम कर आप 2 से 3 महीने कंपनी में फ्री में काम करके दिखा दे, मुझे बोल देना सर जी मैंने सैलरी नहीं ली है, समझ गए हो। और आप पहले अपने पे प्रैक्टिकल करके देखो फिर मुझे कॉल करके बताना सर जी मैं भी देखो कंपनी को फ्री सेवा दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लेता, सिर्फ कंपनी में काम करता हूँ, बदले में पैसा नहीं लेता मैं, और आप भी मुझे फिर मोटिवेट करो ताकि मैं भी ये काम करूँ। हालांकि मैं तो साल भर से ये काम कर ही रहा हूँ, मैं तो 15 दिन हुए हैं मैंने अभी फीस स्टार्ट की है। इसकी भी एक प्रॉब्लम हो गई थी कि बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड कॉल आ रहे थे, सिस्टम बिगड़ चुका था, इसलिए कंट्रोल करना हर चीज़ को ज़रूरी होता है। भैया पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है, टाइम आने पे हर काम पैसों से होता है, जबान अकेली नहीं होती, पैसा भी चाहिए होता है। ये बातें मैं इन लोगों से समझाऊंगा आपको कि जो करोड़पति आदमी हैं लाखों रुपए पर डे कमाते हैं वो भी काम पैसों बिना नहीं करते। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बिजनेस कोच हैं इंटरनेशनल, यानी विदेशों में भी ये लोग कोचिंग लोगों को सेमिनार अटेंड करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनके लगभग फॉलोवर हैं मेरे हिसाब से 8 मिलियन, यानी 80 लाख इनके फेस वो वीडियो को है, अपने यूट्यूब पे फॉलोवर हैं। ये विवेक बिंद्रा हैं, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये भी ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे सेमिनार करते हैं फ्री में नहीं देते, एक सेमिनार का मैंने खुद कॉल करके इंक्वायरी की थी, 4 घंटे का सेमिनार होता है, 5,000 रुपये फीस है मात्र 4 घंटे की। यहाँ पे कौन जा सकता है, जो बिजनेसमैन होते हैं करोड़ों अरबों रुपए करोड़ों लाखों रुपए लगाते हैं फिर भी यहाँ पे 4,000 दे के इनकी ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि उनको पता है पैसा इनके पास लगाने से कुछ नहीं होता, उनको मोटिवेशन चाहिए, उनको सही गाइड करने वाला बंदा चाहिए कि उनका नुकसान नहीं हो, समझ रहे हो, आपको बिजनेस में नुकसान नहीं हो। इसलिए विवेक बिंद्रा जी की वो मोटिवेशनल स्पीकर क्लास लेते हैं, और हो सकता है मेरा जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने किसी ने भी ली होगी। ये बात करते हैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी, ये बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और इनका वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, लगभग 4 मिलियन के करीब यानी 40 लाख लोग इनसे जुड़े हुए हैं, और ये समय समय पे इंडिया लेवल पे मीटिंग वगैरह सेमिनार करते रहते हैं अलग अलग स्टेट में। इनकी फीस होती है 4-5 हज़ार रुपये 2 से 3 घंटे 4 घंटे की, बिना फीस ये काम नहीं करते, कोई नहीं करता भाई। ये अमरीश जी, इनके लगभग 40 लाख से ऊपर हैं, इन्होंने खुद ने अपना YouTube पे बिजनेस चला रखा है, समझ रहे हो, बड़ी कंपनी बना रखी है, इनसे कोई YouTube से रिलेटेड कोई भी गाइड लेता है तो ये फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के वकील, मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन्होंने खुद ने अपने नंबर दे रखे हैं, तो क्या आपको फ्री में गाइड करने के लिए नंबर दे रखा है। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील जिनको टाइम नहीं होता मिनट का, वो वीडियो बनाते हैं डालते हैं, नीचे नंबर भी दे रखे हैं, कॉल करके देखो पता लग जाएगा कितनी फीस चार्ज लेते हैं, समझ रहे हो बात को। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको मोटिवेशन के लिए डाला है कि भैया हर चीज़ की लिमिट होती है, जब बंदा काम ही काम करेगा पैसा ही पैसा नहीं लेगा तो फिर उसका काम कैसे चलेगा। आप यार लाखों रुपए दे के विदेश जाते हो, मुझे 1100 रुपए देने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सोचने की बात है ना। ये अभी रोज के मेरे पास, मैं बता दूं आपको सीधा सा फंडा है, रोज के 50 मैसेज, मैंने तो नीचे वाला स्तर रखता हूं, ऊपर वाला कभी नहीं रखता, मैं नहीं बोलता मेरे पास 500 मैसेज रोज आते हैं, 50 मैसेज रोज आते हैं। वो मैसेज कौन से होते हैं, सर फलानी कंपनी में मैंने अप्लाई किया है, सर मैंने कनाडा, मैंने सिंगापुर, मैंने फलाना, मैंने ढिमका, सर ये वीज़ा आया, ये ऑफर लेटर आया, चेक कर दो, ठीक है चेक कर दो। बस मैसेज मेरा जैसे ही जाता है 1100 रुपए वाला दोबारा बंदे का मैसेज नहीं आता, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस बंदे के साथ चीटिंग होने वाली है, लेकिन वो 1100 रुपए उसको बहुत बड़ी रकम लगने लग जाती है। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये था साथियों कि मैंने भी अभी मेरा भी टारगेट बहुत बड़ा, हालांकि मैंने भी सोचा था कि आप लोगों को मैं सही तरीके से गाइड करूं मोटिवेशन। अब आप तो बोल देते हो सर ऑफिस कर लो, ये कर लो वो कर लो, भाई ऑफिस करने का मतलब है नीचे वाला ऐसा 30,000 रुपये खर्चा चाहिए, कहाँ से आएगा, आपको तो 1100 रुपये देते बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एजेंट तो हूं नहीं कि कैसे भी कर करा के लोगों से पैसा ले लूंगा झूठ बोल के,
मैं तो मेरी मेहनत की कमाई लूंगा 1100, और वो भी आपको दिक्कत होती है देने में। पता है लोगों को कितने लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं, समझ रहे हो बात को, कितने लोगों ने मुझे पैसे दिए हैं। लोगों को साफ सूंघ जाता है, जैसे मेरा मैसेज आता है ना, उनका दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार ये तो फोकटे के लग रहे हैं अपने 1100 रुपए, समझ रहे हो बात को। तो ऐसा नहीं होता भाई, अभी और स्ट्रिक्टली अपन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें साफ ही अपन लिख देंगे, भैया कॉल करोगे तो पैसा दे के चार्ज लगना पड़ेगा, ताकि मैं तो नहीं चाहता यार मेरे पास कॉल आए, मैं ये चाहता हूँ कि जिस बंदे को जरूरत हो वही मुझे कॉल करे, फालतू कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात को। अब बुरा लगेगा तो लगेगा भैया, अरे एक फंडा और है जिनको मैंने सही फ्री में इंक्वायरी नहीं दी ना, वो फिर गलत करते हैं, कमेंट करते हैं, गलत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी करो भाई, हर चीज़ का पैसा लगता है। आप विदेश जा रहे हो, लाख रुपए खर्च करके जा रहे हो, फिर भी आपको श्योरिटी नहीं है कि ये पैसे खराब जाएंगे या अपना काम हो जाएगा या अपन बर्बाद हो जाएंगे। 1100 रुपए में आप बर्बाद हो जाते हो, अफसोस की बात है ना। वीडियो बनाने का मकसद ये है भैया, ये सब करोड़पति आदमी है फिर भी फीस चार्ज लेते हैं, इनके नंबर में डाल रहा हूँ, आप कॉल करके देखना ये कितना पैसा चार्ज करते हैं आपसे, ठीक है साथियों। तो भैया बस वही है, आप मेरे से पर्सनली अगर कॉल करके इंक्वायरी लेना चाहोगे तो फीस देनी पड़ेगी, वरना वीडियो देखो उसमें मैं 100% इंक्वायरी देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप कॉल नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।